أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूं मोफिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों हम आज अपनी एक न्यू क्लास शुरू करने जा रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों आज हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की पहली क्लास है जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों हमारे इस कोर्स की ब्यूटी ये भी है कि हम लोग जो है जिस क्लास के अंदर जो भी पढ़ेंगे उस क्लास के इख्तिताम के ऊपर उससे रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज की भी तैयारी साथ के साथ करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो क्लास है वो बेसिकली हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से होगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है इसकी बेसिकली इम्पॉर्टेंस क्या है, ये क्यों पढ़ना जो है वो जरूरी है। इस हवाले से हम डिफरेंट जो हमारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट है मैनेजमेंट के हवाले से उनके ऊपर बात करेंगे। इसमें हम इजिप्टियन पैराडाइम्स को देखेंगे, इसमें हम द ग्रेट चाइना वॉल को देखेंगे, इसमें हम सिडनी ओपरा हाउस को देखेंगे और आखिर के अंदर जो वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हम एक एक्टिविटी करेंगे और आज की क्लास के अंदर हमने जितना कुछ पढ़ा होगा उस एक्टिविटी के थ्रू हम एनालाइज करेंगे कि हमें उसकी समझ आई है या नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम लोग आज मैनेजमेंट का जो एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू है उस हवाले पे बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो इजिप्टियन पैराडाइम है यानी अहराम मिसर है और ये हमारे जो है अहराम मिसर के कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब ये अहराम मिसर जो है बनने लगे थे तो उस वक्त क्या क्या चीजें, उन्हें क्या क्या मसाइल जो है वो दरपेश आए, उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट करके इनको जो है वो बिल्डअप किया। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है द ग्रेट पैराडाइम कवर 13 acres एंड कंटेन 23 lakh स्टोन ब्लॉक के हमारा ये जो अहराम मिसर है ये तकरीबन 13 acres के ऊपर ये ऐसे पहाड़ हैं और इसमें तकरीबन 23 lakh जो है वो पत्थर के ब्लॉक्स हैं जिनको जोड़कर जो है इन अहराम मिसर को या इजिप्टियन पैराडाइम को बनाया गया। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट की एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने चीजों को मैनेज करके ये दुनिया का जो है एक अजूबा कायम किया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, ईच पैराडाइम 20 फीट टॉल 20 फीट जो है वो बड़ा है एंड 30 फीट वाइड और 30 फीट जो है वो चौड़ा है यूजिंग 186 स्टोन और हर जो पहाड़ है उसके अंदर तकरीबन 186 स्टोन है, ईच वेटिंग रफली 2.2 टन और एक जो पत्थर है उसका जो वजन है वो 2.2 टन है। तो दोस्तों इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि कैसे उन लोगों ने जो है उन स्टोन को जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे रखा होगा। तो ये भी हमें एक मैनेजमेंट की एग्जांपल नजर आती है। अगर उन लोगों ने इन चीजों को मैनेज ना किया होता तो आज हमारे सामने ये अजूबा नहीं होता। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, इट वॉज अ ग्रेट आर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस ऑलमोस्ट 1 lakh वर्कर इन अ 20 year प्रोजेक्ट, कि कैसे 1 lakh वर्कर ने जो है तकरीबन 20 साल के अरसे के अंदर ये इजिप्टियन पैराडाइम जो है वो खड़ा किया और ये हमारे पास एक ग्रेट एग्जांपल है ह्यूमन रिसोर्स की और मैनेजमेंट की। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है, द कैपस्टोन एट द टॉप इज द मेड ऑफ ग्रेनाइट गोल्ड सिल्वर अ मिक्सचर ऑफ बोथ इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, कि इसका जो टॉप के ऊपर कैप है कैपस्टोन है ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, गोल्ड सिल्वर जो है उनका एक मिक्सचर इसके अंदर डाला गया है जो सूरज की जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों ये हमें जो है इजिप्टियन पैराडाइम एक ग्रेट एग्जांपल देता है मैनेजमेंट की। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इजिप्टियन पैराडाइम इट्स ओरिजिनली हाइट वाज 203 feet 62 meters एंड इट वाज फेस्ड विद द पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन, कि इसकी जो हाइट है वो 203 फीट है और तकरीबन 62 मीटर ये बनता है। तो दोस्तों इस इजिप्टियन पैराडाइम से हमें ये पता चलता है
कि उस दौर के अंदर जो है कैसे 20 साल जो है वो 1 लाख लोगों को मैनेज किया गया और कैसे 23 लाख पत्थरों को जोड़कर ये इजिप्टियन पैराडाइम बनाया गया। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट की एक ग्रेट एग्जाम्पल है। दोस्तों इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है मैनेजमेंट की वो है हमारे पास द ग्रेट चाइना वॉल। अब हम अगर ग्रेट चाइना वॉल को देखें तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है द ग्रेट चाइना वॉल वॉज 6,000 किलोमीटर लॉन्ग। ये तकरीबन 6,000 किलोमीटर जो है वो लंबी एक चाइना वॉल है। इसके साथ ही सीन फ्रॉम द स्पेस, अगर इसको स्पेस से देखा जाए द ग्रेट चाइना वॉल ऑफ चाइना कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द स्पेस बाय द ह्यूमन आई विदाउट एड। कि अगर हम स्पेस से देखें, खला से देखें, तो ये जो है हमें किसी एड यानी इंसानी आंख से तो जो है वो नजर नहीं आती, लेकिन इसको देखने के लिए हम एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमें ये चाइना वॉल यानी कि खला से हमें जमीन पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है हमारे पास चाइना वॉल। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है विजिट, इट हैज बीन विजिटेड बाय ओवर 300 हेड्स ऑफ स्टेट। मुख्तलिफ जो हमारे पास ममालिक हैं उनके 300 हेड्स ने जो है इस चाइना वॉल को देखा। एंड वीआईपीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से 300 हेड्स ने जो है इस चाइना वॉल को देखा। दोस्तों अगर हम इसकी हाइट और वेथ की बात करें, इट्स बेस इज 20 फीट वाइड एंड टॉप 11 फीट वाइड। कि इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 20 फीट है और ये जो इसकी टॉप है वो हमारे पास 11 फीट है। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारे पास मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि इसको भी हैंडमेड यानी कि द होल चाइना वॉल इज मेड बाय हैंडमेड। ये हैंडमेड यानी कि हाथ से बनाई गई है। द पीपल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड इट, लोगों ने जो है वो एक लंबे अरसे तक काम किया इसको बनाने के लिए। तो ये हमारे पास एक दूसरी एग्जाम्पल है द ग्रेट चाइना वॉल मैनेजमेंट की। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया, उनको मैनेज किया गया, कैसे उस वक्त जो है वो पत्थरों को काटा गया, कैसे उन पत्थरों को मूव किया गया। और इस ये भी हमारे पास दुनिया का एक अजूबा ही है और ये भी हमारे पास एक मैनेजमेंट की ग्रेट एग्जाम्पल है। इसके साथ हम तीसरी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो कि हमारे पास सिडनी ओपरा हाउस है। दोस्तों ये भी हमारे पास जो है मैनेजमेंट की एक अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप देखें द सिडनी ओपरा हॉल इज माइलस्टोन ऑफ द मॉडर्न एज सिचुएटेड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ओपरा हाउस या ओपरा हॉल है। अब इसके अंदर है क्या, सिडनी ओपरा हॉल वाज कंप्लीटेड इन टाइम पीरियड ऑफ 33 ईयर, 1940 से 1973 तक जो है इसको बनाया गया और तकरीबन 33 साल जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी रही। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। ये भी हमारे पास मैनेजमेंट की एक अच्छी एग्जांपल है कि कैसे 33 साल जो है उन लोगों को आपस में जोड़े रखा और कैसे इस बिल्डिंग को बनाया गया। अगर उस दौर के अंदर मैनेजमेंट ना की जाती तो शायद हमारे पास ये सिडनी ओपरा हाउस आज होता ही ना। तो दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है वो सिडनी ओपरा हॉल कंसिस्ट ऑफ 1000 रूम 5 थिएटर्स एंड इट हैव कैपेसिटी टू 2679 पर्सन। इसके अंदर जो है 5 सिनेमा घर हैं, 1000 जो है वो रूम्स हैं, तकरीबन 2679 पर्संस की इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों इसका अगला जो पॉइंट है वो द मेन पर्पस ऑफ सिडनी ओपरा हॉल इज टू प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट टू पब्लिक। इसका जो असल मकसद था वो ये था कि लोगों को जो है वो एंटरटेनमेंट फराहम की जाए। इसी तरह द लास्ट पॉइंट इज द सिडनी ओपरा हॉल इज 183 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। इसकी जो खड़ाई है, ऊंचाई है, वो 183 मीटर है और 120 मीटर जो है वो वाइड है। एंड इट्स रूफ कैरीज 10,56,000 टाइल विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन एंड कॉस्टिंग 102 मिलियन डॉलर। और इनकी जो टाइल्स हैं वो तकरीबन 10,56,000 हैं, इनको स्वीडन से मंगवाया गया और इनकी जो कॉस्ट है वो 102 मिलियन डॉलर है। तो दोस्तों कैसे सारी चीजों को जो है वो मैनेज करके ये सिडनी ओपरा हाउस बनाया गया जो कि लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल व्यू है। हमारे पास 3 दुनिया के अजूबे हैं जिसमें ग्रेट चाइना वॉल है, उसके बाद हमारे पास इजिप्टियन पैराडाइम है और सिडनी ओपरा हाउस है।
इन सब को बनाने के लिए जो है वो मैनेजमेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया। एक लंबे अरसे तक जो है वो लोगों को मैनेज किया गया, ना सिर्फ लोगों को मैनेज किया गया बल्कि वहां पे जो इक्विपमेंट था उसको मैनेज किया गया, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसको मैनेज किया गया, और फिर आज हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली क्लास, इंशाल्लाह आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें तो मैं आपको मैनेजमेंट जो है वो सिखाऊंगा, बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको हर पॉइंट जो है वो समझ आए और आपको ग्रॉस रूट लेवल से जो है वो लेकर चलूंगा। दोस्तों आज की क्लास हम लोग खत्म करने से पहले जो है चलते हैं आज की एक्टिविटी के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि हम हर क्लास के अख्ताम के ऊपर एक एक्टिविटी भी किया करेंगे जिससे हम जज कर सकेंगे कि हमें आज की क्लास की समझ आई है या नहीं आई। तो आज की क्लास की एक्टिविटी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर इम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसर ऑफ द इजिप्टियन पैराडाइम, कि कितने लोगों ने जो है वो इजिप्टियन पैराडाइम को बनाया। तो इसका जो आंसर है वो 1 लाख वर्कर जो है वो मिलकर उन्होंने एक लंबे अरसे तक काम किया और इजिप्टियन पैराडाइम बनाया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सिडनी ओपरा हाउस वाह, ये हमारे पास 102 मिलियन डॉलर थी सिडनी ओपरा हाउस की कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास जो है, हाउ मेनी हेड ऑफ स्टेट और वीआईपी विजिटेड द ग्रेट चाइना वॉल, कितने हेड ऑफ स्टेट्स ने जो है वो चाइना वॉल को देखा। तो वो हमारे पास 300 हेड ऑफ स्टेट्स जो है पूरी दुनिया से उन्होंने जो है वो ग्रेट चाइना वॉल को देखा। आखिरी जो हमारे पास है, द सिडनी ओपरा हॉल कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक रूम, तो इसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन 1000 जो है वो रूम्स हैं। दोस्तों ये तो थी एक एक्टिविटी जो मैंने आपको आंसर भी बताया। इसके साथ मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा। आपको स्क्रीन के ऊपर 4 नीचे क्वेश्चन और भी नजर आ रहे हैं जिनके जो सवाल हैं वो आप लोगों ने जवाब हैं वो आप लोगों ने खुद से तलाश करने हैं। अगर आपने इस लेक्चर को कंप्लीट सुना है तो इनशाला मेरा ख्याल है कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ जो है इनको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगली क्लास में आने से पहले जो है आप लोग इन्हें सॉल्व कीजिए। इनशाला हम लोग, हमारी जो मुलाकात है वो अगली क्लास में होगी, और अगली क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जो है इन सवालों के आंसर आप लोगों से लूंगा और फिर हम अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों आज की क्लास हम अपनी यहीं पे पहली खत्म करते हैं। एक बार क्विकली जो है वो समराइज कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट का एक नया सब्जेक्ट शुरू किया। मैनेजमेंट के हवाले से जो हिस्टोरिकल ओवरव्यू था वो हम लोगों ने देखा, जिसके अंदर हमें मैनेजमेंट की ग्रेट जो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इजिप्टियन पैराडाइम है, ग्रेट चाइना वॉल है और सिडनी ओपरा हाउस है, ये हमारे पास मैनेजमेंट की बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर अगर मैनेजमेंट ना की जाती या चीजों को मैनेज ना किया जाता तो ये हमारे पास आज मौजूद ना होते। इसको देखा। इंशाल्लाह दोस्तों आइंदा आने वाली क्लास के अंदर हम लोग मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रॉस रूट लेवल से लेकर चलूंगा, तो अगले आइंदा आने वाली क्लास के अंदर हम ना सिर्फ मैनेजमेंट को देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट करता कौन है। तो दोस्तों आज की क्लास हम अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है, कमेंट जरूर किया करें, इससे मुझे फीडबैक मिलता है ताकि इसी मोटिवेशन भी मिलती है। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूं, और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली मैनेजमेंट की क्लास में, क्लास 2 के अंदर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।